छोड़ दीजिए, फालतूगिरी करना छोड़ दीजिए। वो नहीं बोलते हैं या मैं नहीं बोलती हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने काम में से बिजी रहती हूँ, लाइफ चल रही होती है। देखते हैं तो उसके कमेंट पढ़ेंगे, वो वीडियो नहीं देखेंगे, भले उसको स्टॉप कर देंगे, इनको एक व्यूज ना मिल जाए। लेकिन मतलब मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन कमेंट पूरा पढ़ेंगे। उस कमेंट से अरे फलानी का हई ढिमकानी का हई चिलानी कहो फलाना कहो। हेलो बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 हो गए हैं, 6 बज गए हैं ना। हाँ, अरे मैं गई तो 6 बज गए। 6 चिड़िया चहक रही पेड़ों पे, प्रियंका धो रही मुँह। ठंड लग रही है ना? हाँ, हल्की फुल्की ठंडी लग रही है। और गोलू, अभी तो दिवाली आ रही है, तो गोलू प्रियंका का जाने का कोई मकसद नहीं था। दूर दूर तक, दिवाली तक तो यहीं पे रुकने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी आई है कि हमें इसको, मतलब इन दोनों को जाना पड़ रहा है बनारस। वैसे मेरा भी मन था, बट मैं नहीं जा रही हूँ। आ जाएंगे 2-4 दिन में तो खत्म। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी हुई है, आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी कि हंसते हंसते लौट जाएंगे। वेट 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 वेट, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं वो चीज दिखाती हूँ। 2 दिन के लिए जा रही है, दिवाली तक तो सब आ जाएंगे। तो देख लीजिए गोलू ने क्या क्या, आटा दाल, और इसके नीचे ना आप, मैं कैसे दिखाऊँ, पूरी सब्जियाँ भरी है, आलू प्याज सब कुछ भर भुर के रख लिया हुआ है। मुझे क्यों बोल रही हो? आ अरे जा होकर हमें फूटल वाला चाय वा देख, फफा गई पूरा। ये देखिए कैसे चाय जो है पूरा का पूरा चाय गिर गया है। मैं भूल गई थी, नीचे तक गिर गया है। ये चाय पत्ती है ज्यादा, पता नहीं, अरम्या के पापा को दुकान वाले भैया ने ये वाली चाय पत्ती दी है, बोला है कि यूज करके एक बार देखिए, बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन ये उतनी अच्छी लग नहीं रही है, तो मुझे चाय पत्ती का बहुत नॉलेज है। कटोरा भी मंगाई का, ये कटोरा भी, हाँ इसके साथ मिला था। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ ना पूछ नहीं है। हेलो जी, तो गोलू प्रियंका जो है वो चली गई हैं, और उनको जाते मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं, फोन के साथ में नहीं थी। और मेरे बाल कैसे हो रखे हैं ये देखिए, ये देखिए कितने दुमुहे हो रखे हैं, मतलब इनको ना मुझे सही करना पड़ेगा। वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन हालत दिखा रही हूँ। अगर आप स्ट्रेटनिंग करवाते हो, स्मूदनिंग करवाते हो, और अगर आप अपने बालों का ख्याल नहीं रखोगे, तो आपके बालों की हालत ऐसी हो जाएगी कि आपको अपने बालों से नफरत हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं होम रेमेडी जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं करूँगी, फिर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, ये बाल मेरे ठीक हो जाएंगे। ओह माय गॉड, ये देखिए। और वहाँ पे है रम्या के पापा, यहाँ पे है मेरे बहुत सारे कपड़े, और कपड़े फैलाने भी हैं। खाली बा बथरूमवा निकाल ली, हाँ ठीक बा। तो आज मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, और बहुत ज़रूरी बातें हैं, तो कृपया करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही थी, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में अगर फैला दीजिए, क्योंकि घर पे काम भी लगा है, तो एक लिमिट रहता है कि 8 बजे तक या 9 बजे तक सारे काम मुझे ख़त्म करने ही करने होते हैं। कल रात को बना था बाटी चोखा, तो चोखा इतना ज़्यादा बच गया है, और आप सबको पता ही है चोखा जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर प्याज लहसुन उसमें काट दीजिए तो फिर वो, जैसे मैं फेस वॉश किए बिना ही रात को सो गई हूँ, आप लोग देख लीजिए। मतलब गोलू प्रियंका को अचानक ऐसा हुआ, कुछ ऐसे रीज़न आए कि उनको जाना पड़ने, तो हम लोग इतने टेंशन में आ गए थे कि बैठ के गालते गाल ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं, और सोए हैं 12:30 बजे रात को, लेकिन फेस वॉश नहीं किया, तो ऐसे आधी ऐसे लिपस्टिक छूटी हुई है, आधा मुंह पे, मैं मुंह पे क्रीम वगैरह तो नहीं है, मच्छर देखिए पूरा काट के लाल कर दिए हैं। तो यहाँ पे सिंक में पड़े हैं बर्तन, रात को भी बर्तन वर्तन कुछ नहीं धोके, और ये देखिए बाटी भी पड़ी है। तो ये तो मैं तो खा लूँगी, लेकिन अरम्या के पापा नहीं खाएंगे, मुझे उनके बारे में पता है। तो वो सतुआ बचा हुआ है, तो उसके पराठे बनाऊँगी, लेकिन मैं नहा के ही खाऊँगी। आज मुझे तुलसी माता के लिए लेना है, क्या बोलते हैं, आज उनको अठकना है ना, तो फिर मतलब कार्तिक मास शुरू हो गया है, बहुत दिनों से सोचते सोचते मैं आज फाइनली वो करूँगी। और यहाँ पर भी देख लीजिए,
यहाँ पे देखिए मैं नहा के आ गई थी, तो मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ एक छोटी सी हेयर स्टाइल भी शेयर करती हूँ। मैं ब्लॉग में बातें हो रहा, रूटीन हो रहा है, कुछ तो काम की चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो अभी दिवाली की सफाई चल रही है, तो इसीलिए मैं कोई रेसिपी वगैरह आप सबके साथ शेयर नहीं कर रही। ये मेरी बहुत पुरानी ब्लाउज़ थी और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये ब्लाउज़ मेरे यहाँ पर मतलब मुझ में आ गई, ये बात था। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा तेल लगाया हुआ था चुपड़ चुपड़ के, क्योंकि मैं सोचा था कि चलो मैं धो लूँगी बाल को, लेकिन अभी समय मुझे नहीं मिल पा रहा है, अभी दिवाली का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको ट्विस्ट करते हैं, ऐसे इधर के बाल उधर, उधर के बाल इधर, ट्विस्ट करके हम बना लेंगे अपनी हेयर स्टाइल। और ये ब्लाउज़ मेरे में आ गई थी, और ये ब्लाउज़ मैंने सीखने के लिए बनाई हुई थी, मतलब कि पहनने के लिए नहीं बनाई थी। एक चीज़ होती है ना कि ये बलून वाले जब स्लीव चले थे, तब मैंने इसको यूट्यूब से देख देख के सीखा हुआ था, और ये बहुत अच्छे बन गए थे। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अरम्या बोली कि ये वाला क्यों नहीं पहनती हो, तो फिर मैंने एक साड़ी निकाली थी सिक्वेंस वाली, फिर अरुण ने मना कर दिया। मेरी बेटी बहुत समझदार है वैसे तो, लेकिन वो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाती रहती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी सी हेयर स्टाइल बन के तैयार हो गई है। तो मेरे पास एक ही क्लिप था, तो इसीलिए मैंने इस साइड चोटी कर रही हूँ। देखिए अगर उसी साइड में चोटी भी कर दीजिए ना, तो वो बाल जो है वो थोड़े से ऐसे भारी हो जाएंगे। तो कैसे चोटी बनाते हैं, ये वाली खजूरी चोटी आई थिंक इसको बोलते हैं। तो आपको इस तरीके से हाफ एंड हाफ कर लेना है, और एक इस साइड से और एक उस साइड से, इस तरीके से छोटे छोटे अपने बालों के पार्टीशन निकालते जाना है, और इस साइड से उस साइड में फोल्ड करते जाना है। अब मैं आप सबसे वो ज़रूरी बात करने वाली हूँ जो कि मैं करना चाह रही थी। तो इस वीडियो को मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि आप सब पूरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और अपनी राय भी इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं ना इग्नोर करो दीदी, इग्नोर करो। देख लीजिए ऐसे ले रहे थे जैसे, देखिए कैमरा के सामने बोल रहे हैं ना, लव ले पैकेट में आपका डाल अच्छा लगता, रख दो, रखो ले। लेकिन ये पैसे ही नहीं के थे, मुझे एक वीडियो शूट करना था जिसमें पैसे दिखाने थे, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके मांगा था कि, तो इन्होंने दिए थे मेरे को पैसे, और सबने इतनी मोटी मोटी रकम दिखाई थी, मैं तो बस इतना ही दिखाई थी। वैसे ये है मेरी साड़ियाँ। अब आप सोचेंगे कि ऐसे फेंकी हुई क्यों है, नहीं ये कहीं गई हुई थी, किसी को ज़रूरत थी तो मैंने दिया हुआ था ये देखिए ये तीन साड़ियाँ। अगर आप, मैं सोच रही हूँ मैं इनमें से कुछ डोनेट कर दूँ, कुछ क्या मतलब बहुत सारी मैं देने वाली हूँ, यहाँ पे देखिए, और ये फोल्ड करना है अभी मुझे। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी, उससे मतलब मैं बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मशीन चल रही है, उससे हो रही है लकड़ी की कटाई, जो कि ऊपर सेटरिंग में लगेगा छत के। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो झटके से, क्योंकि भैया लोग हैं, एक मिनट केहू तो नहीं खे गोविंद, अच्छा पटरा वाले देते हैं बता। तो ये बात है, और मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप कभी किसी को कपड़े अपने देती नहीं हो, इतनी सारी चीज़ें रखती हो, तो ऐसा बात नहीं है। अगर मैं चार पांच साड़ियों की बात करूँ जो रिसेंटली मैंने, अभी जो मैंने मेले में पहनी थी साड़ी, वो दुकान से खरीदी हुई थी वो साड़ी, और बहुत सारी साड़ियाँ मैं अपने मायके लेके गई थी। वैसे तो मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है नीडी टाइप के लोग, लेकिन हाँ एक होता है ना कि हम देते हैं तो मेरे घर वाले मेरे काम को या मेरे रिश्तेदार बहुत पसंद करते हैं, तो उनको अच्छी लगती है चीज़ें। और जो साड़ी मैं पहन के भी गई थी, जो जिस पर मोती का वर्क था, ऐसा नहीं मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, मैं देती रहती हूँ, ऐसा बात नहीं होता है। दूसरा बात कि ये कमेंट करना कि अच्छा तुमको एकदम लड़के जैसा पति मिला हो, लड़के जैसा क्या होता है, मेरे पति आपको क्यों लड़के नहीं लगते हैं, लड़के जैसा पति मिला होता तो क्या करती, ऐसे तो इतरा रही हो, ये घटिया बात है, ये फलाना ढिमकाना, क्यों भाई क्यों क्यों नहीं लगते हैं मेरे हस्बैंड आपको लड़के नहीं लगते ऐसे लोगों को, मतलब कि कुछ नहीं कुछ तो उनको आके इधर गंदगी करना ही करना है, और लोगों को लगता है मैं चुप हूँ, मेरे हस्बैंड के बारे में आके कुछ भी उल्टा फुल्टा मतलब, या मेरे बारे में आके तो बहुत सीधी हो, अरे नहीं वो बहुत सीधे हैं, उनको तुम परेशान करें, मेरे हस्बैंड है, मैं जो मैं मन करे वो करूँ, मैं उनको परेशान करूँ, मैं उनको क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, है ना, और ये आपको लगता है तो, और वो बहुत सीधे हैं। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि वैसे सीधे हस्बैंड आपको मिल जाए, या फिर आपके हस्बैंड हैं अगर तो वैसे सीधे हो जाए, किसी के भी हस्बैंड सीधे नहीं होते, और किसी की वाइफ भी सीधी नहीं होती, सब अपने अपने जगह पे वो हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये मतलब हम लोग की ये मस्ती चलती रहती है, जैसे कि अभी मैं कल उनको डांस सिखा दी तो वो भाग रहे, अरे ना 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 ना, तो हमने ऐसे वीडियो शूट कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको ज़बरदस्ती ले आने की कोशिश करती हूँ, या फिर वो भाव नहीं दे, बोलते नहीं है, वो कम्फर्टेबल नहीं होते हैं। आई थिंक अभी बाटी चोखा वाली वीडियो ही देखिएगा, आई थिंक वो वीडियो लाइव हो गई होगी शायद, तो देखिएगा उसी में वो उन्होंने कितनी बातें करी है। तो ऐसा नहीं है कि वो कैमरे पर आके बकबक बकबक फकबक फकबक कर
रहे हैं तो ही आपको लगता है कि वो मेरा सपोर्ट करते हैं या फिर वो बोलते हैं या सीधे हैं। तो किसी ने मेरे को कमेंट कर दिया कि अच्छा तेरे हस्बैंड गूंगे हैं तो फलाना है ढिमकाना है, मतलब इतना इंटरेस्ट मेरे हस्बैंड में क्यों है। मैं इनको कितनी बार बोलूँगी कि लाइए मैं आपका चैनल आज ही बना देती हूँ, आज के आज आप ब्लॉगिंग करो, देखना वायरल होंगे, क्योंकि आपको जितना लोग मतलब इतने लोग प्यार करते हैं ना, मतलब इतने सारे लोग मतलब इनके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, मतलब मेरे लिए 10 कमेंट है ना तो 25 कमेंट मेरे हस्बैंड के लिए होता है, बेचारे हैं ये हैं वो है। अरे आपको क्यों लगता है कि मेरे हस्बैंड बेचारे हैं, समोसा बैठ के खा रहे हैं, मेरा रुक नहीं की पूछत ना। अभी मैं जा रही हूँ ये सब चीज़ें फोल्ड करूँगी, सारी चीज़ें जमाऊँगी रखूँगी और ब्लॉग लंबा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब आपको लंबी वीडियो नहीं देखनी है तो मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी। इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करूँगी। अब मैं यही कहूँगी कि दिवाली में दिया जलाइएगा तो एक अपने दिमाग में भी दिया जला लीजिएगा और भगवान के सामने जाके क्षमा मांग लीजिएगा जो इस तरह के घटिया कमेंट करते हैं मेरी ही नहीं किसी की भी वीडियो पर, और एक दिया जला के अपने अंदर जो कीड़े हैं ना जो इतने सड़ के गल के दिमाग के अंदर पक रहे हैं उन कीड़ों को साफ कर दीजिएगा, क्योंकि वो कीड़े लगता है मुझे दिमाग के साथ साथ बल बुद्धि विद्या सब खा जाते हैं ऐसे लोगों के जो कि ये फालतूगिरी करते रहते हैं। अरे नहीं मत देखो यार, मत देखो, ब्लॉक किया ना तो उन्होंने सेम आईडी बनाई, मत देखो, मतलब इतनी बुरी ही लगती है, फिर मत देखा करो वीडियो। लड़का जैसा हस्बैंड मिला होता, लड़का जैसा क्या होता, मेरे हस्बैंड लड़के ही हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है। तो इस तरह की जो टोंट होते हैं, टोंटबाजी करना छोड़ दीजिए, फालतूगिरी करना छोड़ दीजिए, वो नहीं बोलते हैं या मैं नहीं बोलती हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने काम में जब बिजी रहती हूँ, लाइफ चल रही होती है, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब मुझे लोग मजबूर कर देगा झूठ मूठ का, मुझे एक्शन लेना पड़ जाएगा। दिवाली आ रही है भाई, सफाई करनी बाकी है, आज से ही शुरू हो रही है हमारे घर में, तो शुरू तो कल से ही है, तो क्यों ही करना। आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं हो, और फिर मैं कंप्लेन करूँ और फिर बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ें, छीछा ले धरो, इससे अच्छा है कि स्टॉप दिस टॉपिक नाउ। कहाँ अंग्रेजी बोल देनी है गुस्सा में जी। आप लोग को पसंद है क्या मेरा इंग्लिश में ब्लॉग? चलिए छोड़िए, गोली मारते हैं ऐसे लोगों को, वो लोग मुझे गोली नहीं मार रहे हैं क्या, छोड़ो भाई नहीं देखना, ऐसे मेरे व्यूज इतने कम हैं, मत देखो दो चार और, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं सोचिए कि उस चीज़ों से फर्क पड़ता है, मतलब कि एक तथ्य होता है कि नहीं ये आपके अंदर ये चीज़ कमी थी या ये चीज़ नहीं है या कुछ भी शुरू है, कुछ भी शुरू है, एकदम लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, नहीं बर्दाश्त होती है चीज़ें। वो लोग पूछते हैं कि क्या आपके हस्बैंड आपके वीडियो के कमेंट पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, और हर एक कमेंट में। हस्बैंड तो चलो ठीक है, उनको पता है कि यहाँ पे लोग गंदगी करेगा ही करेगा, जिनके संस्कार ही मतलब कीड़े वाले दिमाग ही हैं, उनसे तो क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती, एक्सपेक्टेशन उम्मीद। दूसरा की प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे कि मैं गांव से हूँ, गांव वाले वीडियो देखते हैं तो उसके कमेंट पढ़ेंगे, वो वीडियो नहीं देखेंगे, भले उसको स्टॉप कर देंगे, इनको एक व्यूज ना मिल जाए, लेकिन मतलब मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन कमेंट पूरा पढ़ेंगे उस कमेंट से। अरे फलानी कह हई, ढिमकानी कह, चिलानी कहो, फलाना कहो, तो और दूसरे रिलेटिव, रिलेटिव कुछ मेरे रिलेटिव कुछ इनके, मतलब सबके जो रिश्तेदार हैं, मतलब मेरे इनके क्या बांटे हुए नहीं है, मतलब कि है कुछ लोग जैसे कि मेरे से बहुत क्लोज हैं इनसे, तो अच्छा फलाना जाओ नहीं है, तो ऐसे मतलब दिक्कत होती है फैमिली में, समझने की कोशिश करिए। अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ तो तुम वीडियो क्यों नहीं बनाती हो, तुम सबको जवाब क्यों नहीं देती हो, क्यों तुम इतना सुन के रहती हो, मतलब कि सब एक जैसे नहीं है, कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते उस चीज़ को, फिर मेरे ऊपर प्रेशर आने लगता है, फिर लोगों को लगता है, फिर कुछ लोगों को भी लगता होगा कि अरे इसके हस्बैंड को कुछ ही बोले तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, एक टाइम तक लोग मजबूत है, लेकिन नहीं मतलब कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते हैं, कुछ भी नहीं। मैं ठीक है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है हर इंसान के अंदर, एक होता ना सर के ऊपर पानी नहीं खे दूध, एक को बुध दूध नहीं खे चाय बना खाती, वो घरी खाली दूध है, मैं चाय बना ले लूँगी। हाँ हमारे यहाँ भी दूध आज दिन में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि भैया लोग काम कर रहे हैं तो सबके लिए चाय बनाना था, तो इस वजह से। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, बस इसी ड्रेसअप के साथ में, तैयार तो हुई थी किसी और ब्लॉग के लिए। हम मिलेंगे आप सबसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, एक दिया मैं उन लोगों को बोलूँगी जरूर अपने भगवान के आगे जलाइएगा, तो ये सोच के कि हमारे मन की जो गंदगी है ना, हे भगवान अपने प्रकाश से उसको ख़त्म करो, ताकि हम किसी के लिए अपने मन में इतनी सारी नफरत। ए जी हो कीड़ा हका, ताकि हम किसी के लिए जो है वो नफरत ना पालें, और अच्छा सोचें। अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी सोचने का कोई हक नहीं है किसी को सोशल मीडिया पे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी अकबक बकबक सुन के ले लेंगे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।